है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं 200 से 300 किलोमीटर पे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो सबसे पहले ज़्यादा माइलेज यहाँ पे देखने को इसमें देखने जाने वाली है, और यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 300 आपको सिंगल देखने को मिल जाता है हैंडल बार, और यहाँ पे आपको स्प्लिट में हैंडल बार देखने को मिल जाता है। यहाँ हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है पटेलर्स में, और आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं फिर लेकर अपना नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आज को तो खास होने ली है, और जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख लिया आपने, तो आज मैं हूँ कुंती टीवीएस जो कि सासाराम में है, बिहार में। आप कहीं से बिलोंग करते हो अच्छे पर्स के यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट और एड्रेस दोनों ही आपको देखने मिल जाएगा। और आज मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ टीवीएस की अपाची 4वीं एडिशन जो कि आरएम एडिशन के नाम से आती है, और एक तरफ है अपनी अपाची 162B जो कि नए अपडेट में आई है हाल ही में। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन में रहती है। अब इसके बारे में क्या कुछ अब मैं बात कर लेता था, इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस रहता है। दोनों ही एक सेगमेंट की बाइक है, और 160 सीसी में काफ़ी अच्छा नाम बनाने वाली बाइक है। बाकी फैमिली पर्पस के हिसाब से, कोई भी कंडीशन के हिसाब से लोग इसे पसंद करते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट भी यहाँ पे प्रीफर इसी को करते हैं ज़्यादातर। तो क्या कुछ आपको देखने मिल जाता है 2023 में, क्योंकि अब 2022 तो निकल ही चुका है, ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं। तो क्या आपको ये लेना चाहिए 2023 में, आपके लिए साबित हो सकता है बेहतर, और कौन सी बाइक आपको मतलब ज़्यादा अच्छी रहेगी किसी भी कंडीशन में, उसके बारे में बात करना। तो सबसे पहले प्राइस की बात करें तो प्राइस आप में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर अपाची 162B की बात करें तो पहले से आपको 5000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि अब इसके बराबर। अगर आप अपाची 162B और 4B के दोनों को कंपेरिजन करते तो दोनों का प्राइस एकदम सेम आ चुका है अब। और आरएम एडिशन थोड़ा सा 2000 इसमें महंगा देखने को मिल जाता है इससे। तो आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है डिफरेंसेस, उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर दोनों में से आपको कौन सी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट में, और कौन सी आप लेना चाहोगे। अगर मैं बोल दूँ कि मैं ये लेना चाहूँगा तो आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो इसके ऊपर मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्यों मैं इसके ऊपर जाना चाहता हूँ और क्यों मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता। सबसे पहले प्राइस की डिफरेंस की बात करें तो प्राइस इन दोनों में, ये इसमें अपाची 162B और 4V में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5000 डिफरेंस पहले से बढ़ा है 162B में, और 7000 थोड़ी सी महंगी आती है वो। बाकी अब दोनों के कंपैरिजन में सिर्फ 1 से 1.5 हज़ार का ही डिफरेंस देखने मिल जाता है, बाकी यहाँ पे 2000 का डिफरेंस देखने मिल जाने वाला है। तो 2000 में क्या कुछ और चेंजेस देखने मिल जाने वाले हैं, सबसे पहले लुक्स की बात करें तो लुक्स इसमें काफ़ी अच्छा आपको स्पोर्टी लुक मेरे को ये लगता है। आपको कौन सा लगता है जरूर बताना कमेंट में आपको, और सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं, अलग अलग थोड़े से देखने मिल जाता है। और बाकी इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे टॉयलेटर्स के टैंक देखने मिल जाते हैं फ्रंट में, और यहाँ पे भी आपको टॉयलेटर्स के टैंक देखने मिल जाने वाला है। और यहाँ पे 4 वेल्व है 4V, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मतलब भागने भगाने वाली बाइक है, और अगर आप इसे ले करके निकलते हैं इन दोनों को तो इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम रहा है। लेकिन अगर 160 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं उससे ज़्यादा मतलब इससे नहीं हो पाता, क्योंकि ये यूपी बिहार में ही ज़्यादा चलती है, मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ। और बहुत से लोग इसे मतलब हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन ये सही बात है भाई, ये ज़्यादा करके यूपी बिहार और दिल्ली में ही चलती है, बाकी और ज़्यादा कहीं पर मैंने इसे देखा नहीं है, अपने सिटी में भी नहीं चलती। बाकी 162B ये 4V ये ऑल इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम बनाने वाली बाइक साबित हो चुकी है, और ये दोनों एक फैमिली पर्पज़ के हिसाब से बनाई गई है। कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर इसे करते हैं, क्योंकि इसमें लुक्स आपको मैटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलईडी कंसोल देखने को मिल जाने वाला है, फ्रंट से बात करें तो एलईडी कंसोल देखने को मिल जाना है। टीवीएस की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाने वाली है, और यहाँ पे शार्प डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे झंडा का निशान अपने भारत का यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। इसी के साथ में कट शार्प डिज़ाइन थोड़ा सा वाइजर देखने को मिल जाने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते तो यहाँ पे आपको फुल्ली नेकेड स्पोर्ट्स देखने को मिल जाने वाली है, यहाँ पे आपने देख लिया, और इंडिकेटर्स दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाने वाली है। अगर बात कर लेते इसमें तो फ्रंट में आप देखते हैं तो इसमें आपको LED DRLs यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, TVS की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी इसको कैमरा जज नहीं कर पा रहा है, माफ़ करना, आज मैं थोड़ा मोबाइल से शूट कर रहा हूँ।
और बाकी यहाँ पे आप देखते हैं तो एलईडी में कंसोल फ्रंट में देखने को मिल जाने वाला है, और यहाँ पे भी आपको झंडे का देखने को मिल जाना है लेकिन ज़्यादा, और यहाँ पे आपको टीवीएस रेसिंग की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाने वाली है फ्रंट में, और यहाँ पे आपको स्टिकरिंग ही देखने को मिल जाने वाला है। अब आप खुद डिसीजन लेना, मैं इसे बार बार नहीं बोलूँगा। और बाकी यहाँ पर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रिमोरा के टायर्स दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं सेम टू सेम टायर से, और 1917 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको 17 इंच के एवरेज के साथ दोनों बाइकों में ही आते हैं, और दोनों ही टू वेल के साथ में आती है, और ये फोर वेल के साथ में आती है। और यहाँ पे आपको रेड कलर में स्ट्रिप देखने को मिल जाने वाली है, यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाने वाला है जो कि 240mm के हैं, और पीछे में आपको 200mm के देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोनों में ही आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग के मामले में काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग देती है TVS Apache RT सीरीज़, और बाकी स्कूटी में ही खाली नहीं देती। और बाकी स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। इसी के साथ में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा और मतलब एडवांस फीचर इसमें देखने को मिल जाने वाला है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट मतलब ये ज़्यादा एडवांस यहाँ पे हो करके देखने को मिल जाने वाली है। तो इसके बारे में और क्या लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में, तो मीटर कंसोल थोड़ा सा आपको एडवांस देखने को मिल जाने वाला है इसमें, क्योंकि RM एडिशन में, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको बेस मॉडल है तो ये बेस मॉडल में उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, और आगे जाकर के इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो ये देख लो, सबसे पहले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें तो नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है, ABS की लाइट देखने को, ऑल फंक्शन की लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और मीटर को सेट यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो टाइम गोज, और ज़्यादा मतलब इसमें इंफॉर्मेशन शो नहीं करता नज़र हुआ आता है। और यहाँ पे आप बात कर लेते तो इसमें आपको पूरा ही आपको मोबाइल वाला ही सिस्टम देखने को मिल जाने वाला है, जो कि आपको मतलब डिजिटल कंसोल तो देखने को मिलता है, ये वाइट अप में देखने को मिल जाता है वाइट, और इसमें आपको सिर्फ येलो में देखने को मिल जाने वाला है। इसी के साथ में आप देख लो अर्बन मोड यहाँ पे एवरेज भी शो करता है, टाइम इंडिकेटर्स भी बताता है, यहाँ पे आपको गियर कौन सा लगा हुआ है वो भी बताता है, और कितने RPM पे कितना किलोमीटर अभी जाएगी वो सब भी बताता है। आपको मोड्स दोनों में ही आप देखने को मिल जाते हैं, देख लो फ्रंट में इसमें भी तीन मोड देखने को मिल जाने वाले हैं, इसमें भी आपको तीन मोड देखने को मिल जाने वाले हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं तो एडवांस में आपको ये देखने को मिल जाने वाला है कि आप यहाँ पे अपने LED को सेट भी कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी यहाँ से आप सेल्फ भी लगा सकते हैं। तो अभी नहीं लगेगा क्योंकि ये थर्ड नंबर पे है, इसको न्यूट्रल में करके लगाऊंगा, मैं आपको इसका भी आवाज़ सुनाऊंगा और उसका भी आवाज़ सुनाऊंगा। बाकी यहाँ पे आई बटन पे आप दबाते हैं तो अपने आप ही मतलब यहाँ पे सेट होना होने लगता है, और यहाँ पे आपको पासिंग स्विच, हाइबिंग, लोबिंग और टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे हॉर्न की देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस हॉर्न देखने को मिल जाने वाला है इसमें। और इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है वही स्विचेस और वही क्वालिटी, बाकी ये दोनों में ही आपको हॉर्न आपको ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाने वाली है। बाकी इसमें आपको सिंगल देखने को मिल जाता है हैंडल बार, और यहाँ पे आपको स्प्लिट में हैंडल बार देखने को मिल जाता है, यहाँ पे Apache 160 की यहाँ पे ब्रांडिंग देगी है लोगो की, और यहाँ पे सिंस 1982 रेसिंग SP एडिशन का देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 160 लिखा हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पे नट बोल्ट लगे हैं, बाकी ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, आपको कैसा लगता है जरूर बताना कमेंट में। और यहाँ से और क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाने वाला है, सबसे पहले सीट की बात करें तो यहाँ पे TVS रेसिंग देखने को मिल जाने वाली है, और यहाँ से थोड़ा सा कम्फर्टनेस यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाने वाला है। बाकी इसके ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो थोड़ा सा बैटमैन के टाइप का इसका हैंडल बनाया गया ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे आपको सिंपल सा एकदम अच्छा सा देखने को मिल जाने वाला है स्प्लिट ग्रैब हैंडल। और इसी के साथ में अब रियर की ओर आ जाते हैं, तो रियर में आपको छोटा सा इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, बाकी ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। और बाकी ये जो नई वाली आई है इसको एक बार मैं ऑन करके दिखा दूँ, तो ये देख लो पीछे से कुछ इस प्रकार का लुक करती है, जो कि पर्सनली मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इसका। और ये वाली जो आई है इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा पर्सनली अच्छा लग रहा है, क्योंकि LED इसमें देखने को मिल जाने वाला है पहले से। और यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो दोनों ही इंडिकेटर्स सेम हैं, और यहाँ पे आप देख लो तो पीछे से थोड़ा सा आपको ये बहुत से लोग मतलब स्टाइल में कटवा देते हैं इसको, यहाँ से निकलवा देते हैं, लेकिन यहाँ से ये अच्छी लगती है जो कि रियर से, और बाकी यहाँ से थोड़ा सा मतलब बल्कि टाइप की लगती है, उतना अच्छा पर्सनली मुझे नहीं लगता। RTR यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको साइलेंसर जो देखने को मिल जाता है थोड़ा सा स्टाइलिश में देखने को मिल जाने वाला है। और यहाँ पे आपको देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब सेटअप देखने को मिल जाने वाला है, रेड में कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे आपको ब्लैक में देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप देखते हैं तो थोड़ा सा स्टिकरिंग में यहाँ पे बनाई गई है, और यहाँ पे आपको घोड़े का निशान देखने को मिल जाने वाला है, TVS का यहाँ पे देखने को मिल जाता है लोगो, और कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट में। तो यही था, और
इसके बात कर लेते तो यहाँ पे बहुत से एडवांस फीचर्स देखने मिल जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं यहाँ से, और उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आपकी मैंने दोनों की अच्छाइयाँ बता दी, अब बुराइयों की बारी आ चुकी है। बुराई इसमें यही है, TVS Apache RTR सीरीज़ में सब में यही प्रॉब्लम रहती है। जितनी भी बाइक आप चाहे 160 ले लो या फिर 200 ले लो या फिर कोई 212 या फिर 4V, तो दो सब में यही प्रॉब्लम रहता है इसका चैन सेट को लेकर के। यहाँ पे नेकेड स्पोर्ट्स तो देखने को मिल जाने वाली है आपको, नेकेड में आपको चैन तो देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं 200 से 300 किलोमीटर पे। तो कंपनी से मेरी यही मतलब गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा चैन सेट पे ध्यान दो भाई, और बार बार चैन इसको लुब्रिकेट करना पड़ता है बार बार, और इसको जैसे बहुत से लोगों को, अब जो लोग गामड़े एरिया में रहते हैं उन लोग कैसे इसको कर पाएंगे। और बाकी आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताया, इसमें आपको डबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिंगल में सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा पतला देखने को मिल जाने वाला है, और ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोटा देखने को मिल जाने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे टी दी गई है, और ये जो है मफलर, ये मतलब बचाने का काम करता है, और यहाँ पे सिंपल में ही देखने को मिल जाता है। तो आप इसे जज लगा सकते हो कौन सा आपके लिए अच्छा रह सकता है 2023 में, और कौन सा मैं आपको नहीं बोलूँगा, आपको खुद जज करना है। और इसी के साथ में आप देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको ढका यहाँ पे फील आएगा Apache सीरीज़ में, और वहाँ पे आप देखते हैं तो थोड़ा सा खुला है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत से लोगों को पसंद आएगा, और सबकी पसंद अलग अलग होती है। बाकी पर्सनली मेरी पसंद तो ये है, और आपकी कैसी लग रही जरूर बताना कमेंट में। और बाकी दोनों ही आपको वही 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, और स्लीपर गियर इसमें देखने मिल जाता है, स्लीपर क्लच यहाँ पे देखने मिल जाने वाला है, और यहाँ पे आपको सिंपल में ही देखने को मिल जाने वाला है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और बाकी इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का थोड़ा सा देखने को मिल जाने वाला है। आप जरूर बताना कमेंट में कौन सा लेना चाहोगे। यही था डिफरेंस, और सारा डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया लगभग। और बाकी इंजन की बात करें तो इंजन की स्पेक्स उतनी ही है, और बाकी आपको थोड़ा सा मतलब लुक्स में ही आपको चेंजेस देखने को मिल जाने वाला है। और 4-wheel टेक्नोलॉजी के साथ में आती है ये बाइक, तो कैसी लग रही है आपको जरूर बताना कमेंट में। अगर इसके ऊपर आपने को कंपैरिजन चाहिए वो भी जरूर बताना कमेंट में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो में तो मिलेंगे एक न्यू टिक्स में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद जय भारत।